कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और काफ़ी दिनों से जो है मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा मैं जल्दी उठ पाऊँ, क्योंकि जब आप फ्री होते हो तो कहते हैं यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, वो करते करते जो है वो लेट हो जाता है। पर आज मैंने कहा नहीं, आज से शुरू करते हैं कि जल्दी उठना है। तो यहाँ पर मैं आज जल्दी उठ गई थी और थोड़ा सा मोटिवेट हो गई थी कि नहीं यार जल्दी काम ख़त्म होगा तो हम फ्री भी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर रूटीन पर आने की हमारी कोशिश भरपूर हो रही है। तो जी, आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल हम ब्रेड लेंगे और बटर जैम, जिसको जो पसंद होगा, और साथ में मामा रात को केक भी लेके आ गई थी तो जिसका जो दिल करेगा वो खा लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा नाश्ता है, तो जी आप लोगों की भी नाश्ते की और ये सुबह की जो रूटीन है हमारी तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती होगी, क्योंकि कुछ इतना ख़ास नहीं होता। सुबह सुबह का टाइम होता है ना, कुछ ज़्यादा खाने का दिल करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आपके साथ ये भी शेयर कर देते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं शेयर की। तो अभी जो है वो मेरे दो और पार्सल जो है वो आ चुके हैं और दो तीन और रहते हैं। इन सबको जो है वो जमा करके आपके साथ इसका पूरा दराज का हॉल शेयर करूंगी। पर वेट करना बहुत मुश्किल है भाई साहब। अभी जो है वो सिर्फ तीन और ये चार ये आई है, मैंने खोले नहीं है, वरना मैं सबसे पहले इनको ना खोल खाल के देख लेती हूँ कि कैसे हैं। पर मैं वेट करूँगी, आपके सामने देखूँगी और जैसे जैसे लगा मुझे फिर मैं आपको भी बताऊंगी। और अब देखते हैं कब तक आते हैं वो जो दो तीन मेरे पार्सल रहते हैं। तो देखो कितना टाइम लगता है, फिर आपके साथ फुल ग्रोसरी नहीं दराज का हॉल शेयर करूंगी। खैर जी, तो जी यहाँ पे हमने बाय किया न्यू वॉशिंग मशीन, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी टाइम से हमारी जो मशीन है हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मामा सोच रही थी कि मैं लूँगी पर हमें कोई अच्छी नहीं लगी। तो फाइनली मामा को कोई अच्छी लगी और अब तो बिल्कुल ही जो हमारी पुरानी मशीन है उसने जवाब दे दिया था, मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और आई थिंक सो रिपेयर होगी, पर हमने नहीं करवानी थी, हमने कहा हम न्यू ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और काफ़ी टाइम से हम उसको यूज़ करें। तो एक चीज़ का जो है वो टाइम लिमिट होती है, पर उसकी लिमिट जो है मुझे लगता है ख़त्म हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यू वॉशिंग मशीन ले ली और बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह करे ऐसे ही चलती रहे। तो बहुत अच्छी ये मशीन थी और ये डॉलन्स की थी। तो जी यहाँ पे मैंने ट्राइफल की जो तैयारी है वो कर ली है और अब सिर्फ इसको करना है असेंबल। कस्टर्ड जो है वो सिंपल सा मेरा रेडी है और अब इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड, मज़ेदार। ओहो, केक रह गया, चलो कोई बात नहीं, साइड्स पे रह देते हैं। मैंने लिया है ये बेक टाइम वालों का केक और एक स्लाइस जो है मैं साइड पर रखूंगी। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्राइफल और रात को जो है वो हमारे गेस्ट ने आना था, तो हमने कहा चलो कुछ मीठा भी बना लेते हैं और खाना फटाफट से रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने पता नहीं था हमें, तो ये अर्जेंट ही था। तो हमने कहा फटाफट से खाना रेडी कर लेते हैं और मामा ने बनाए थे कोफ्ते और मैं बनाऊँगी साथ में पुलाव और साथ में ट्राइफल, हो जाएगा तो हमारा मज़ेदार सा जो डिनर है वो रेडी हो जाएगा। हर काम आपका जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, पर अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मज़ेदार सा ट्राइफल रेडी कर लिया था। जो ट्राइफल है वो जो है रेडी हो चुका है और पर मैंने ना कुछ ज़्यादा ही लगता है डाल दिया, थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, बहुत ऊपर तक फुल हो गया। पर कोई बात नहीं, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बॉल थोड़ा सा छोटा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया। पर अब क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, डेकोरेशन जो है वो हो गई है जैसे तैसे करके। मैं ना डेकोरेशन में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी करती हूँ।
आज फिर मैं उस दिन वाला पुलाव बना रही हूँ, वाइट पुलाव, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा था। तो मामा कह रही थी कि आज फिर वाइट पुलाव बनाओ। तो यहाँ पे अब हम फटाफट से तैयार कर लेंगे। और आपको उस दिन मैंने दिखाया था, तो आज मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा। तो पहले प्याज ब्राउन कर लेते हैं। तो जी, लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी फाइनल लुक नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा आज दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से वाइट कलर के होते हैं दही के साथ, और बहुत ही यम्मी बने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ। देखो, इस तरह से वाइट वाइट से राइस हमारे जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो जी, यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो है वो खाना भी रेडी हो चुका था, और कोफ्ते भी मामा के पहले ही रेडी थे। मैंने पुलाव भी बना लिया, और ट्राइफल भी हमारा रेडी है, और चावल जो है हमारे, ये मैंने पूनम वाले फ़र्स्ट टाइम बनाए, पर बिल्कुल भी नहीं अच्छे, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। बस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं, मतलब कि साफ़ सुथरे और क्लीन से होते हैं, फिर और लगता है कि अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, पर बिल्कुल भी नहीं अच्छे। टेस्ट लेस हैं। इसकी जो चावलों में से अच्छी सी खुशबू आती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब कि मुझे इतने खास नहीं लगे। तो जी, यहीं तक थे मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो हाय गाइस, क्या टाइम हो रहा है बहन? 3:42 हो रहे हैं रात के, और लाइट चली गई है। हम लोग सोने ही लगे थे, पर यहाँ पे पार्टी होना शुरू हो गई है। अभी हम लोग बिल्कुल सो चुके थे, और अब हम जाग चुके हैं, और अब हम अच्छे तरह जाग चुके हैं कि पार्टी करने के मूड में। वो देखो अपनी चीज़ें चूज़ें लेके आ गई है हाइका खाने पीने के लिए, और अब अल्लाह बेहतर जानता है कि लाइट कब आएगी। बेशक ऐसा है, ऐसा ही है। बेशक खा ले। नहीं यार, मुझे दिल नहीं करा, मैं सिर्फ जूस पीऊँगी। मुझे भूत लग ली है। तुझे भूत लग ली है? मुझे भूत लग ली। तुम तोतली हो गई हो। और आयका अपना कर रही है फ़ोन यूज। फ़ोन में ऐसा क्या यूज़ करिए वाईफाई के बगैर? मेरा डेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। यार शेयर करना, हॉटस्पॉट करना। अंजीला, अंजीला मत ना यार वाईफाई। आजा अंजीला खेलते हैं यार। नहीं ना पागल, आजा गेम खेलते हैं अंजीला। यार यार प्लीज यार ऐसा मत कर, अंजीला खेलते हैं। पता है मेरा भी डेटा सही नहीं चल रहा, मतलब आ गया ना। ये देखो हाय करके अंजीला 16 साल की होगी। मेरे जितनी होने वाली है। तू 16 की है? मैं 17 साल की हूँ ना। हाँ अच्छा, मैं 17 साल की हूँ, मतलब 1 साल छोटी है तुझसे। हाँ बस हम दोनों बहने बहने। ई कितनी गंदी है क्योंकि एंजेला कितनी गंदी। तो भाई इतना तो मैं खुद को साफ। इतने दांत तूने दिन में साफ करती है, इतने इसके करती है। इतनी पाबंदी से तो मैं तैयार नहीं होती जितना मैं इसको करता हूं। इसकी आवाज तो म्यूट करो, कितनी तेज है। इतनी तो दिन में पाबंदी से मैं तैयार नहीं होती जितना मैं इसको करती हूं। सही बोल रहे हैं यार। बताओ लाइट कब आएगी? मैं आधी नींद में। मुझे देख, इसको नहाने में भी पैसे मिलते हैं, दांत साफ करने में पैसे मिलते हैं, बच्चों को ऐसे पैसे मिलते हैं, बच्चे तो नहाते ही रहे। ओए हाय क्या कर रही है लड़की, चूस गिरा दिया। नहीं गिरा, नहीं, बच्चों को ऐसे पैसे मिले, बच्चे तो नहाते ही रहे, है ना। हाँ, तेरे जैसे बच्चे। नहीं बोलते, मतलब कितना खाती है ये क्या कॉम्बो है, शिमला मिर्ची खिला दी उसे। मीठी वाली होंगी ना, अब इसको दूध भी तो देना लास्ट में सोते हुए। दूध पीते हैं। केक वगैरह भी आ गए क्या? हाँ ना, देखा अब बहुत चेंज नहीं हो गया ये देख। वाओ, टॉफीज वगैरह खा लो। एक ही झटके में खाओगी की? माशाल्लाह एंजेला काफी खुश खुराक है। खुश खुराक? हाँ अच्छा। इतना ज्यादा खाना एक खुश खुराक इंसान खा सकता है। अच्छा चलो, अब हम करते हैं लाइट का इंतजार, और खुद तो बोर हो रहे हैं, आपको बोर नहीं करते, और एंजेला भी सोगी, हम भी सोने की सोने की कोशिश करते हैं।